स्मृति नगर क्षेत्र में त्योहारी सीजन में व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के टेंट लगाकर व्यवसाय करने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है, क्योंकि इन्हें स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल द्वारा जगह बताई गई थी, जिसे छोड़कर अपना व्यवसाय कहीं और ही कर रहे हैं। स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल की भूमि पर जहां सब्जी बाजार लगा करता था, वहां अब ईएसआई के अस्पताल बन जाने की वजह से अन्य बाजारों के लिए जगह नहीं बची है। बावजूद इसके वार्ड पार्षद मुकेश अग्रवाल के द्वारा कुछ त्योहारी व्यवसायियों को वहां दुकान लगाने में समर्थन दिया जा रहा है, जिससे स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। शनिवार को स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल के अमले द्वारा बेदखली की कार्रवाई की जा रही थी और उनके सामानों को ट्रैक्टर में भरा जा रहा था, जिस पर व्यवसायियों द्वारा बेदखली करने आए टीम के साथ बहस किया गया और व्यवसायियों को सही बताते हुए वार्ड पार्षद द्वारा स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाया गया। साथ ही अस्थायी व्यवसायियों द्वारा बेदखली करने आई टीम के ट्रैक्टर की चाबी भी छीन ली गई। मौके पर त्योहारी व्यवसायियों एवं वार्ड पार्षद द्वारा अपनी बात मीडिया के सामने रखी गई। मामला ऐसा है, जो जिस प्रकार से व्यापारियों ने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले इन्होंने राजू चौबे से परमिशन ली थी, उन्होंने इनको परमिशन दे दिया कि आप स्मृति नगर चौक के बीचों बीच में आप ठेला लगाओ, जैसे हड़ताल लगाते थे। जब भी अपना लाखों रुपए का माल खरीद लिए, टेंट गाड़ दिए, उसके बाद बोला जाता है कि आपको यहाँ लगाना नहीं है, आपको परमिशन नहीं है। ये व्यापारी मेरे पास आया कि भैया ऐसी सी बात है, हमको लगाने का परमिशन दिया जाए। मैंने बोला उस चौक पे दिक्कत होती है, आवाजाही में व्यवस्था बन नहीं पाती है, आपको मैं एक जगह दे रहा हूँ, यहाँ लगा लो। हमने इनको यहाँ जगह दी, यहाँ आराम से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो आके अपने लोगों को भेज के यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप देखिए, ट्रैक्टर में पूरी भगवान की मूर्ति, पूजा का सामान सब कचड़े के साथ में फेंक दिया गया है और इनको बार बार पैसे के नाम से परेशान किया जा रहा है लगातार। अभी कुछ दिन पहले इसी प्रकार से सब्जी मार्केट से भी करीबन 40-50 हज़ार रुपए की अवैध उगाही करवाई गई है दुर्गा के नाम से, कि हमारा पहले 24 नवंबर को एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि हमने सब्जी मार्केट वाले को हटाने के लिए बोल दिया है, 2 अक्टूबर को दबाव षड्यंत्र पूरी साजिश के तहत 2 तारीख को चंदा के लिए बोला जाता है और 41 हज़ार रुपये का चंदा लिया जाता है सोसाइटी के द्वारा सब्जी मार्केट व्यापारियों से। तो इस प्रकार से पूरे स्मृति नगर में यही है, जो रोड पे अगर लगाया है सबको जाके 24 द्वारा संस्था के सदस्यों द्वारा जाके परेशान किया जा रहा है और पैसा की मांग की जा रही है। तो जब से उनको आपत्ति नहीं था, इस बार उनको आपत्ति आया, दुकान पूछने भी गए हम लोग जो दुकान लगाना है सर लगाए कि नहीं, वो बोले कि जो लगा लो, कोई आपत्ति नहीं है, बाकी वहाँ साफ सुथरा करना है ना। साफ सुथरा तो हम लोग हर दिन करते हैं, दुकान उठाते हैं तो भी साफ सुथरा करते हैं, लेकिन इस बार सब माल गिरवा के टेंट लगवा के और तब हम लोग उनको वहाँ से भगा गया। फिर यहाँ हम लोग आए तो यहाँ ट्रैक्टर लेकर आते हैं, हर दिन हम लोग नहीं रहते हैं तो बच्चे लोग क्या कर मारगाड़ी करते हैं, अपने आदमी को भेजते हैं, खुद नहीं आते हैं। तो एक कहाँ के ये है, जब शेर है नहीं, जब शेर है तो हम लोग उनके सामने आए, शेर है ना चौबे जी, तो हम लोग उनके सामने आके हमारे सामने माल उठाए। अभी क्या किए हैं लोग, मूर्ति जितना ट्रैक्टर में गंदे में फेंकवाए हैं, रंगोली पूरा उठा कर करा रहे हैं, जितना संपत्ति है उसको हम लोग उनके भरपाई चाहिए, हमको सब दिन के लिए जगह चाहिए, हमको उनको घर में नहीं जाते हैं लगाने, बीच रोड में लगाते हैं, बीच रोड में 5 दिन हर पब्लिक जनता दुनिया के लगाता है, हम भी लगा रहे हैं 5 दिन, और 5 दिन में उनको क्या आपत्ति है, क्या चाहिए जो वो हमको आकर बताए जी, हमको तुमको 3 दुकान लगता है, 4 दुकान लगाता है, हमको 5-5 हज़ार रुपया दो, हम वो भी देने के तैयार है, इतना कंकाल हो गए हैं, हम मेहनत करके देंगे, अपनी बच्चों का पेट काट कर देंगे, लेकिन चौबे के हम देंगे। वहीं स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष राजीव चौबे ने वार्ड पार्षद द्वारा इस मामले को राजनीतिक रंग देना बताया है और कहा है कि वार्ड पार्षद और व्यवसायियों द्वारा लगाए गए आरोप पूर्णतः निराधार हैं, बल्कि इन व्यवसायियों के लिए स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल द्वारा उनके व्यापार के लिए जगह भी उपलब्ध कराई गई थी, जिसे अध्यक्ष राजीव चौबे ने मीडिया को भी दिखाया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समस्या के मूल में जाना आवश्यक है। स्मृति नगर के अंतर्गत साप्ताहिक बाजार लगता है, बुधवार और शनिवार 2 दिन साप्ताहिक बाजार जहाँ लगता है, जो स्थान उसका नियत था वहाँ ESI का अस्पताल बन गया, उससे वो जगह जो है वो उनकी छिन गई। नगर पालिक निगम को कायदे से उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि बाजार का व्यवस्थापन या व्यवस्था करना ये निगम की जिम्मेदारी है, लेकिन निगम ने नहीं किया तो संस्था द्वारा अपनी रिक्त भूमि उनको उपलब्ध करा गई सब्जी वालों को सब्जी बाजार लगाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी समस्या ये थी कि सड़क के किनारे जो लोग लगा रहे थे, आपने देखा है कि पूरा रिहायशी क्षेत्र है और वहाँ पर जब सड़क के किनारे जब दुकानें लग जाती हैं तो जो ग्राहक आते हैं सब्जी बाजार में, वो उनके पास पार्किंग न होने से लोगों के घर के सामने गाड़ियाँ खड़ा कर देते हैं।
हमारे स्मृति नगर सोसाइटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें लगातार हमारे जो पीड़ित सदस्य जो है अपनी समस्याएं डालते रहे हैं कि उनके घर के सामने गाड़ियां खड़ा करके लोग चले जाते हैं, उनके घर से निकलना बंद मुश्किल हो जाता है। एक श्रवण चंद्रा जी जिनका घर सबसे पास है उस बाजार से, उनके माता पिता कोविड में उनका देहांत हो गया, अस्पताल जाने के लिए वो गाड़ी नहीं निकल पा रहे थे अपने घर से, इस प्रकार की विकट समस्याएं हैं। इनको देखते हुए संस्था ने तय किया था आज से करीब 4-6 महीने पहले हमने कि पूरे के पूरे बाजार को सड़क से हटाकर अंदर की जगह में लगाया गया। सड़क पर हमने किसी को पसरा लगाने की अनुमति नहीं दी, उसके बावजूद अव्यवस्थाएं आज भी हैं पार्किंग की, उससे लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। नगर निगम या जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिलता। ये सारी व्यवस्थाएं वास्तविक रूप से प्रशासन की है, चाहे वो पुलिस करे, चाहे निगम करे या जिला प्रशासन करे, लेकिन संस्था न चाहते हुए भी, संस्था के अधिकार न होते भी, हमको वो सब करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे क्षेत्रवासी, हमारे रहवासी उसमें परेशान हो रहे हैं। आज की जो घटना घटी है उसके तारतम्य मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 5-6 लोग जो बाजार लगाते हैं, दिया बत्ती वगैरह बेचते हैं, इन्होंने पहले स्मृति नगर चौक में नहर के पास रोड के बीचों बीच अपनी दुकान लगाई। मैंने हस्तक्षेप किया, उन्होंने मुझसे निवेदन किया आके कि हम लोग गरीब लोग हैं, 5-6 दिन का धंधा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, संस्था द्वारा उनको सुव्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराया गया, बताया गया कि हमारे स्मृति नगर मार्केट में पार्किंग का एक स्थल है, करीब करीब 1 एकड़ की भूमि है और इस जगह को हमने दिया कि आप यहाँ पर अपना दुकान लगाइए, लेकिन वो नहीं माने, अपनी जिद में आके वो सब्जी बाजार के पास ले गए। आज शनिवार का दिन है, आज फिर सब्जी बाजार लगना है। आज ये जो 5 दुकानें लगी हैं दिवाली के सीजन को देखते हुए, लगातार और दुकानें लग जाएंगी, अव्यवस्था फिर होगी और भयंकर अव्यवस्था होगी। इसको देखते हुए हमारी गाड़ी वहां गई और हम उनके सामान को उचित स्थान में स्थानांतरित करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। रही बात मूर्तियों को फेंकने की, कचड़े में फेंकने की, ये आरोप सरासर गलत है क्योंकि हमारे कर्मचारियों द्वारा यह नहीं किया गया, ना तो कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, ना ही मूर्तियों को। उन दुकानदारों ने राजनीतिक के उद्देश्य से स्वयं उन मूर्तियां फेंकी और उसके बाद वहां पर और राजनीतिक व्यक्ति पहुंच गए और उन्होंने उनका समर्थन किया। सवाल यह है कि बाजार लगे और व्यवस्थित लगे यह अच्छा है कि अव्यवस्था के साथ, अराजकता के साथ हो यह अच्छा है? किसी के व्यावसायिक हित से हमको कोई गुरेज नहीं है, हमको कोई नुकसान नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो उनको अच्छी व्यवस्था दे रहे थे, सुव्यवस्थित पार्किंग से स्थान दे रहे थे, लेकिन यह कौन सी जिद है कि लोगों को तकलीफ हो और यह व्यवसाय करें? अब जबकि हमारा कहना यह है कि आपका व्यवसाय भी हो, लोगों को तकलीफ भी ना हो, इसमें बुराई क्या? अब आज मेरे ट्रैक्टर की चाबी छीन कर उन्होंने रख ली है, कल को अगर ट्रैक्टर को कोई नुकसान पहुंचता है, कुछ होता है, तो यह लूट या इसकी घटना नहीं है, चोरी की या डकैती की? किसी ट्रैक्टर की चाबी को छीन लेना अनधिकृत रूप से और मांगने पर चाबी नहीं दी जा रही है, और इस प्रकार की राजनीति कराना, यह तो क्षुद्र राजनीति है। विधि में क्षेत्राधिकार जो है वो तय है। अगर मैं विधायक बन जाता हूं और मैं कहूंगा कि संतोष शर्मा जी, मैं आपके घर के अंदर किसी को दुकान लगाने की अनुमति दूंगा क्योंकि मैं विधायक हूं, तो ये विधि विपरीत है। जगह जो है लगानी, जमीन है, स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था की जगह है, यदि वहां पर वो लगवाना भी चाहते थे जनप्रतिनिधि होने के नाते, संस्था कार्यालय में उनसे संपर्क करके उनसे अनापत्ति हमारी मांगनी चाहिए थी। जगह किसकी है? नगर निगम की जगह होती, नजूल की जगह होती, सरकार की जगह होती, वो अधिकृत जो भी, लेकिन अगर उस स्थान पर अनुमति दी गई उनका कहना है, तो वो अनुमति का कागज नगर पालिक निगम का होगा, तो मुझे बता दे, ये अधिकार क्या पुलिस प्रशासन को है? आप भी जानते हैं, इतने पुराने पत्रकार हैं, आप बताइए कि पुलिस को अधिकार है कि किसी को कहीं दुकान लगाने की जगह दे दे? ये देखिए, अब तो वो कोई भी आरोप लगाए, पिछले 10 साल से वो दुकान लगाते आ रहे हैं यहां पर स्मृति नगर में, और उनको जगह स्थान हमने दिया है, आज तक 1 रुपया या 54 भी उनसे ली गई हो तो बता दे, और किसने पैसा मांगा, कब पैसा मांगा, कोई प्रमाण तो दे। आज उनको हटाने के लिए कहा जा रहा है तो कुछ भी निराधार आरोप लगा दे, 5,000 रुपये मांग रहे हैं करके। ऐसा हो तो जो पूरे बाजार को रोड से हटाया गया है स्मृति नगर द्वारा, अगर यही मंशा होती तो 5,000-5,000 रुपये लगा के पूरे बाजार, पिछले 6 महीने से जो बाजार चल रहा है वो लगातार चल रहा होता। जब बाजार को हटाने का काम हम कर रहे हैं, रोड को हम साफ करने का काम कर रहे हैं, वो 5,000, अगर 4 दुकान वाले वहां खड़े हैं, अगर वो चार दुकान वाले 5,000-5,000 रुपये दे देंगे, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो लाखों रुपए जो है वो वहां बाजार लगा के प्रतिदिन कमा सकती संस्था, तो हम रोक क्यों रहे? हमने तो रोकने का काम किया, लगवाने का काम तो कभी किया नहीं है। का चंदा किसने लिया, क्या लिया, वो वही बताएंगे, क्योंकि यहाँ स्मृति नगर में, मॉडल टाउन में और आसपास सूर्य विहार में दुर्गा प्रतिमाएं बैठती हैं, लोग दुर्गा का चंदा लेते हैं। क्या राजीव चौबे व्यक्तिगत चंदा लेने गया था? क्या मैं किसी दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ?
क्या कोई दुर्गा पूजा समिति मेरी है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। दुर्गा पूजा का चंदा अगर कोई दे रहा है और कोई ले रहा है तो उसका प्रमाण होना चाहिए कि व्यक्ति ले कौन रहा है और दे कौन रहा है, उसकी रसीद भी कटी होगी। उसमें कहीं राजीव चौबे है क्या? मैं तो किसी दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष नहीं हूं। वैकल्पिक व्यवस्था मेरे पास है, आपको चाहिए तो चल के मैं वो स्थान भी दिखाता हूं। अगर आप करना है तो आप दूध का दूध पानी का पानी करिए, जो स्थान उनको दिखाया गया वो उपयुक्त है कि सड़क को घेर के लोगों को परेशान करके तकलीफ देके बाजार लगाना, ये ज्यादा उपयुक्त है। ये तो आप लोगों को तय करना होगा, देखकर आप पहले उस स्थान को देखिए जो उनको दिया गया। फिलहाल स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल के द्वारा इस मामले की सूचना पुलिस प्रशासन को दी जा चुकी है। देखना होगा कि यह मामला आगे किस तरह का रंग इख्तियार करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।